अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की एक वीडियो है जो कि है रिक्वेस्टेड वीडियो। मैं करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को कंसीलर्स के बारे में। मेरी एक व्यूअर है, नाम उनका फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, बाद में मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि काइंडली आप फॉर ऑयली स्किन के लिए कोई कंसीलर अच्छा सा बता दें। तो अगर उन्होंने मेरी लास्ट वीडियो की स्क्रीन वाली नहीं देखी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्रिस्टीन का कंसीलर है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी अपनी ड्राई स्किन है तो मेरी स्किन पर इसने एक डेढ़ घंटे बाद पैचेस बना दिए थे। मैंने हालांकि अपने फेस को मॉइस्चराइज भी किया होता, प्राइम भी किया होता। तो अगर उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनको फिर से बता देती हूँ। और अदरवाइज मैंने बहुत सी यानी कंसीलर्स रखे हुए हैं, उनके स्वेचेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वॉइस ओवर के बगैर अगर वीडियो बनाओ ना तो यही कुछ होता है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मिस रोज़ के कंसीलर्स, जो कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में यूज़ करती रहती हूँ। ये वाले जिसमें एक है बेज 2 और दूसरा है आइवरी 6। तो ये जो कंसीलर्स हैं ये ड्राई स्किन गर्ल्स और ऑयली स्किन गर्ल्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं इन दोनों कंसीलर्स का स्वाच आपको दिखा देती हूँ। कलर में थोड़ा सा डिफर है लेकिन बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छे होने के साथ साथ बहुत अफोर्डेबल है यार। मीन आपको 250 में बहुत ही अच्छा कंसीलर और अच्छी कवरेज वाला स्किन कंसीलर मिल जाता है। वेल, ये है आईवी 6, देख सकते हैं आप लोग। ये आईवी 6 का स्वाच है। ऑन ईयर वीडियो करते हुए काफी शोर आ रहा था तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लिया जाए। तो दूसरा स्वाच मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ वो है बेज 2 का। ये थोड़ा येलो टोन में है और ये है मिस रोज़ के लिक्विड कंसीलर की आउटर पैकेजिंग। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मिस रोज़ का फिरारी रेडियंट क्रीमी कंसीलर पामेला फिरारी। ये दूसरे कंसीलर्स जो हैं लिक्विड कंसीलर्स उनसे थोड़ा अच्छा है। शेड है इसका 01। ये क्रीमी फॉर्म में है और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करता है, और इसकी कवरेज बिल्कुल हाई एंड कंसीलर्स की तरह है। और पैकेजिंग भी आप लोग देख सकते हो कितनी लग्जरी सी इसकी पैकेजिंग है। इसका भी स्वाच मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एंड ये ड्राई एंड ऑयली स्किन दोनों को ही सूट करता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ क्रिस्टीन के कंसीलर की, जो कि बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन, और शेड है मेरा यहाँ पर 03 नेचुरल, जो कि एज अ हाइलाइटर मैंने लिया था, थोड़ा वाइट में है। अगर आप लोग बिल्कुल अपने स्किन से मैचिंग चाह रहे हो, व्हाइटिश कम्प्लेक्शन है आपका, तो आप लोग इसमें बेज 09 को चूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा है। आप लोग देख सकते हो कि ये काफ़ी वाइट है क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट करने के लिए अपने फेस को लिया था। ये कंसीलर बहुत ही अच्छा एंड अफोर्डेबल है। उसके बाद मैं बात करती हूँ एले गर्ल के प्रो कंसीलर की, जो कि ओरिजिनल है। मैंने इसको vegas.pk से मंगवाया है। आजकल उधर इस पर सेल चल रही है तो मुझे ये 630 का मिला है। इसमें मेरा शेड है प्योर बेज, जो कि बिल्कुल मेरे स्किन टोन से मैच है। अगर आपको कहीं भी जल्दी में जाना हो और आप मेरे कम्प्लेक्शन के हो तो जस्ट आप अपने डार्क सर्कल पर इसको अप्लाई करो, पूरे फेस पर अगर आप बेस नहीं भी बनाते तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो आप देख लीजिए इसका भी स्वाच, और इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जहां से मैंने इसको परचेज किया है। फ़ायदा उठा लो क्योंकि 60% ऑफ पर ये मिल रहा है। नाउ मैं आपके साथ शेयर करूँगी एनास्टासिया बर्वली हिल का क्रीमी कंसीलर पैलेट, जो कि मास्टर कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट अमेजिंग। इसमें आपको तकरीबन सारी रेंज मिल जाती है। मेन आपको इसमें हाइलाइटर्स मिल जाते हैं, कंसीलर जो हाइलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं, आपको करेक्टर्स मिल जाते हैं, और दो आपको इसमें कंटोरिंग शेड्स मिल जाते हैं। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगी जिसमें मैं आपको कंसीलर एंड करेक्टर्स में डिफरेंस बताऊँगी। इस पैलेट में से भी मैं आप लोगों को स्वाचेस दिखा देती हूँ। मैंने सेकंड वाला कलर लिया है और आप देखिएगा कि ये थोड़ा पिंक अंडरटोन में है। मीन जो फेयर कम्प्लेक्शन की लड़कियाँ हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं। मैंने जब किसी को तैयार करना होता है तो मैं उनके लिए ये पैलेट यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइट है। और दूसरा इसी में से मैंने स्वाच किया है जो कि फेयर है लेकिन ये थोड़ा येलो अंडरटोन में है।
तो इसके भी आप स्वाच देख लें, और ये भी बहुत ही अच्छा है एंड अफोर्डेबल भी है। अगर आप पैलेट चाह रहे हो कि एक ही पैलेट में आपको करेक्टर्स, कंटोरिंग और हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर्स मिल जाएं तो ये बेस्ट है। वैसे यहाँ पर मैंने इसका एक कंटोरिंग शेड भी आप लोगों को स्वाच करके दिखा दिया है। इसके बाद मैं बात करती हूँ अनस्ताजिया बर्वली हिल के लिक्विड कंसीलर की, जो कि बहुत पुराना है मेरे पास, अब तकरीबन ख़त्म हो गया है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा। इसका भी स्वाच देख लीजिए, ये भी थोड़ा पिंक अंडरटोन में है लेकिन पहले वाले से बहुत ज़्यादा डार्क है। तो इसकी पैकेजिंग और मिस रोज़ के कंसीलर की पैकेजिंग तकरीबन सेम है, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा डिफर है, काम इनका एक जैसा है। अभी आप पर है आप कौन सा लेना चाहते हो। मेरे पास जितने भी कंसीलर्स थे, जो भी नॉलेज थी, मैंने आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय।